नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सारिक और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। तो आज की एक रोचक खबर कुछ इस प्रकार, हर चौथा भारतीय शराब पीने के बाद करता है हाथापाई, देसी पहली पसंद। शराब पीकर सड़क पर हंगामा करना बेहद आम है। भारत में शराब पीने वाला हर चौथा आदमी मदिरा सेवन का समापन लड़ाई झगड़े से ही करता है। इतना ही नहीं, शराब पीने वाला हर दूसरा भारतीय एक मौके पर कम से कम ड्रिंक जरूर लेता है। इस तरह के व्यवहार को हैवी एसिपिटिक ड्रिंकिंग यानी बहुत ज्यादा शराब सेवन करने वाला माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में अल्कोहल का सेवन करने वाले 43% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक मंत्रालय ने कहा, हाल ही में एक सर्वेक्षण किया है जिसमें ये सारी बातें सामने आई है। भारतीयों की पहली पसंद देसी शराब। भारत में देसी शराब और IMFL भारत में बनने वाली विदेशी शराब की खपत सबसे अधिक होती है। शराब पीने वाला हर तीसरा भारतीय उन उत्पादों पर फिदा है। वही वाइन पसंद करने वाला मात्र 4% लोग है। हालांकि बियर पीने वाले 21% लोग है, जिनमें से 12% स्ट्रॉन्ग और 9% लाइट बियर पसंद करते हैं। शराब पीने वाले लोग पर सर्वेक्षण के दौरान एक बात सामने आई है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं। इतना ही नहीं पीते वक्त उसके समय बहुत ज्यादा पानी मिलाना भी पसंद नहीं करते हैं। कितने प्रतिशत भारतीय शराब का करते हैं सेवन, आइए जानते हैं। भारत में शराब पीने वालों की आबादी 14.6% है। शराब पीने वाले लोगों की उम्र 10 से 75 साल के बीच है। वही कुछ लोग आबादी की बात की जाए तो 16 करोड़ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। इसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं। अल्कोहल का सेवन करने वाले 16 करोड़ में से 95% पुरुष है, जो 18 से 49 का एज ग्रुप में आते हैं। वही शराब सेवन करने वाले का लिंगानुपात देखा जाए तो 17 पुरुष के मुकाबले एक महिला है। पुरुषों की तुलना में महिला का शराब पर ज्यादा कंट्रोल है। रिपोर्ट के मुताबिक शराब पीने का प्रचलन 27.3% पुरुषों में है, जबकि महिलाओं में 1.60% है। इतना ही नहीं, महिलाओं को शराब सेवन करने से ज्यादा कंट्रोल है, यानी कि वह अपनी लिमिट जानती है। पुरुष इस मामले में लापरवाह है, इसलिए अक्सर पीने के बाद वह हिंसक हो जाते हैं और मारापीटी करते हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि शराब पीने वाला हर पांचवा व्यक्ति अल्कोहलिक है, यानी कि शराब का आदी है। वही शराब पीने वाली हर 16वीं महिला अल्कोहलिक है, यानी कि शराब की आदी है। पंजाब में इस राज्य के लोग ज्यादा करते हैं अल्कोहल का सेवन। गुजरात और बिहार में शराब बेचने पर पाबंदी है। वही 10 ऐसे राज्य हैं जहां की 20% से ज्यादा आबादी अल्कोहल लेती है। इनमें छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा प्रमुख है। बिहार और गुजरात को छोड़ दे तो राजस्थान और मेघालय में शराब पीने वाले लोग सबसे कम है। राजस्थान में 2.1% और मेघालय में 3.4% लोग शराब का सेवन करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, त्रिपुरा की 62% आबादी शराब का सेवन करती है। वही छत्तीसगढ़ में 57.2% और पंजाब में 51% लोग शराब का प्रयोग करते हैं। लोग समझते हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा शराब का सेवन होता है, लेकिन 62% आबादी शराब का सेवन करती है त्रिपुरा में और 57.2% शराब का सेवन करती है छत्तीसगढ़ में। कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में 30% शराब की खपत होती है। वही अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रमानुसार 15.60 और 13.70% महिलाएं शराब पीती है। शराब पीने वाले लोगों की औसत आयु 18 से 49 के बीच है, जो पीने के बाद हंगामा करते हैं। हर पांचवा आदमी रात में नहीं दिन में हंगामा करता है। तो ये थी एक रोचक खबर और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।